प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास नाइन्थ के दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण का हमने कल लेक्चर परसों वन बनाया था, आज लेक्चर टू की शुरुआत कर रहे हैं। कल की बात है, कल हमने लेक्चर वन बताया था, तो इसमें अब लेक्चर टू में क्या है, हम आपको ये बताएंगे कि कोई समीकरण आपको दो चरों वाला दिया जाएगा और सवाल रहेगा कि निम्न समीकरणों के चार हल लिखिए। यानी कि देखो, इस समीकरण के चार नहीं, इसके अनंत हल हो सकते हैं। इसके अनंत हल है, मतलब x का मान कुछ रखोगे y का मान कुछ मिलेगा, x का मान कुछ रखोगे y का मान कुछ मिलेगा, या y का मान कुछ रखोगे तो x का मान मिलेगा। तो हमें चार हल चाहिए, हम x बराबर कुछ भी रख सकते हैं। चलिए जीरो से शुरुआत कर लेंगे। x बराबर सबसे पहले हम जीरो रख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई पूर्णांक लिख सकते हैं, -1 -2, 0 +1 +2, कुछ भी रख सकते हैं। जब x बराबर बेटे जीरो रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 × 0 + y = 7। तो 2 का 0 गुणा करेंगे 0 + y = 7, तो y इक्वल टू बेटे क्या आया, 7 आया। y इक्वल टू क्या आया, 7 आया, ये पहला हो गया। इसके बाद x इक्वल टू हम 1 रखे देखेंगे तो बेटे क्या आएगा, 2 × 1 + y = 7। तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + y = 7, तो y = -2। अब 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5। y बराबर क्या आ गया बेटे, 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरे पॉइंट पे, x बराबर क्योंकि सवाल ने कहा है चार हल लिखना है, तो हम चार हल लिखेंगे। x बराबर हमने 2 रख के देख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, जो भी चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ से आएगा 2, देखो 2 गुणे x की जगह 2 प्लस y बराबर 7, 2 × 4 प्लस y बराबर 7, y = 7 - 4, तो y बराबर कितना आया, 3 आया। जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3 प्लस y = 7, 3 × 6 प्लस y = 7, y = 7, और प्लस का 6 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 × 6 जाएगा, 1 बचेगा। तो आपने देखा चार हल हो गए, 1 × 7 1 × 5 1 × 3 1 × 4। इस तरीके से सारे सवाल हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं बुक में, हम उनकी फ़ोटो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में। कल हम भूल गए थे शेयर करना, हमने कल कहा था कि कल हम सारे, अब हम आज क्या करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस आज भेज देंगे, ठीक है। तो आप उनको कल वाले भी क्वेश्चन क्लियर कर लेना बेटे, आज वाले भी क्वेश्चन क्लियर कर लेना। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन हमने जो टू लिया है, लिख कह रखा है कि x - 2y = 4, ये आपको कोई रैखिक समीकरण दिया गया है। सवाल का कहना है कि ये आपको चेक करके ये बताना है कि ये जो दिए गए वो हल हैं इसके या नहीं है, मतलब हल हैं या नहीं, तो ये हमें चेक करना है कि ये हल है या नहीं, या ये हल है। ये देखो, ये 0, 2 का मतलब ये हुआ कि x का मान 0, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4 √2, y का मान 4 √2। एक और पांचवा सवाल है, मैंने इतने नहीं लिखे, हमें आपको एक दो बताएंगे बस, बाकी का आप कर ही लोगे। तो देखो बेटे, पहला ही देख लेते हैं, x की जगह हम लोग इसमें 0 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये देखने से, ये अगर LHS और RHS बराबर आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, तो आपका ये सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए बेटे, x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि x और y, तो यहाँ लिखेंगे 0 - 2 में गुणे y की जगह 2 लिख दिया बराबर 4, तो 0 - 2 = 4 = 4, -4 = 4। ये कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0, 2 इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है। अब बात करें हम 2, 0 की, तो आप वो चेक कर लेना, अब आप बताना। 4, 0 की बात करें, वो आप चेक कर लेना और बताना। अब हम अंडर रूट वाला ले लें, जिससे आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो अंडर रूट वाला हम बता दे रहे हैं। इधर देखिए, तो x बराबर √2 रखेंगे और y बराबर रखेंगे 4√2, ठीक है। चलिए यहाँ रखाते हैं, तो √2 - 2 × और y की जगह लिखेंगे 4√2 बराबर क्या चल रहा है, 4। तो √2 - 4 का 2 में गुणा करेंगे, 8√2 = 4। देखो बेटे, √2 में से 8√2 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक मान लिया जाएगा, 1√2 में से 8√2 जब घटेंगे तो -7√2 बचेंगे। क्या ये इसके बराबर है, कभी नहीं हो सकता है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हम कह सकते हैं, अतः
अंडर रूट टू कमा फोर अंडर रूट टू समीकरण का हल नहीं है। इस तरीके से बेटे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्लास नाइन्थ में रखे गए हैं, तो आपको आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड बातें हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। और ये आप एक चौथा क्वेश्चन ये है, और इसी में पांचवा और है, मैं उसको भी लिख दूं तो उसे आप कर लेना, वन कामा वन। तो ये आपने दो सवाल कर दिए बेटे, ये पहला कर दिया है और ये कर दिया है, बाद बाकी सवाल ये आपको करना है, ये आपको करना है और ये आपको करना है, ये होमवर्क के लिए हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी क्वेश्चन में आप लिखेंगे, क्वेश्चन आपको दिया ही गया है इसी क्वेश्चन में सारे। देखिए बेटे ये क्वेश्चन लिया है, एक्स बराबर टू वाई बराबर एक का हल तब होगा जब टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर के हो, तो के की वैल्यू बतानी है। पूरी हमने लैंग्वेज नहीं लिखी है, सवाल बस मेन चीज समझो कि सवाल में ये समीकरण दिया गया, x बराबर दो y बराबर एक प्रतिस्थापित कर देने से k का मान क्या आएगा वो आपको बताना है। तो बेटे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करा दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 कराएंगे, 3 इंटू y की जगह 1 कराएंगे बराबर में k, तो दो दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, k का मान क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि k का मान 7 आ जाएगा, कब, जब x का मान 2 होगा और y का मान 1 होगा। इस तरीके से ये बेटे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था हाफ ईयरली में, तो इसे आप नोट कर लें, आगे आपके काम में आएगा। बच्चों क्वेश्चन दिया गया वाई बराबर 3x प्लस 5, तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि केवल इसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल दो हल हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस समीकरण को हमें ये बताना है कि इसको कितने हल होंगे, इसका बेटे एक हल, तो एक अद्वितीय हल का मतलब हुआ कि केवल और केवल एक हल, ऐसा नहीं हो सकता, केवल दो हल हो ऐसा भी नहीं हो सकता, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि x का मान अगर कुछ रखेंगे तो y का मान मिलेगा, x बराबर 2 रखेंगे y का मान कुछ और मिलेगा, x का मान -2 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा, 3 रखेंगे कुछ और मिलेगा, -3 रखेंगे कुछ और मिलेगा, यानी इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड हल हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है। ये पहला क्वेश्चन था, आज एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपकी क्लियर कराई है, 3.2 के मैंने सारे क्वेश्चन आपके करा दिए, कल हम आपको आलेखन विधि वाले कराएंगे 3.3, क्योंकि वीडियो छोटा ही आज इसलिए बना पड़ रहा क्योंकि कल एक्सरसाइज 3.3 रहेगी, तो उसमें ज़्यादा हम आपको कल से नए सिरे से पढ़ाएंगे, तो इसलिए बेटे आज ये आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम क्वेश्चन अभी आपको फोटो भेज देंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग करके मुझे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, थैंक यू सो मच।